क्लास 2 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपना काम जो है वो दिल लगा के कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट स्टार्ट किया था, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर डी करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रामर स्किल्स की बुक निकालनी है, पेज नंबर 25 निकालेंगे और आज की डेट लगाएंगे। आज की डेट है हमारी 34 एंड 21। ठीक है, चलिए अब रीड करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर डी में हमने क्या करना है। राइट द नाउन इन द बोल्ड प्रिंट इन द करेक्ट बॉक्स। वो कहते हैं यहाँ पे कुछ नाउन को बोल्ड प्रिंट में लिखा हुआ है, आपने उनको करेक्ट बॉक्स में लिखना है। लाइक ये जो नाउन है, अगर तो वो मैस्कुलिन हुए, लाइक किसी आदमी का किसी लड़के से रिलेटेड हुए तो उसको मैस्कुलिन में लिखना है। अगर फीमेल से रिलेटेड हुए, लाइक गर्ल या वुमेन से रिलेटेड हुए, तो हमने फेमिनिन में लिखना है। अगर कॉमन जेंडर हुए, यानी ऐसे वर्ड्स ऐसे नाउन हुए जो कि हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको हमने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। द स्टीवर्ड सर्विंग ड्रिंक टू द पैसेंजर। स्टीवर्ड ने मुसाफिरों को ड्रिंक सर्व की। स्टीवर्ड यहाँ पे कहते हैं एक लड़के का नाम है स्टीवर्ड। ठीक है, अब क्योंकि ये लड़के का नाम है तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, मैस्कुलिन नाउन में। ठीक है, तो STEWARD स्टीवर्ड। उसके बाद पैसेंजर कहते हैं मुसाफिर, यानी कि सफ़र करने वाले। तो इसमें आपको पता है मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द मेड इज़ मोपिंग द फ्लोर। मेड कहते हैं काम करने वाली नौकरानी को। ठीक है, यानी वो फर्श साफ कर रही है। अब क्योंकि ये हम गर्ल के लिए मेड यूज़ करते हैं वर्ड, इट्स मीन हमने इसको फेमिनिन नाउन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम। टीचर स्टाफ रूम में है। अब टीचर वर्ड जो है स्टूडेंट, आपको पता है कि पढ़ाने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आपकी फीमेल टीचर भी आ सकती हैं और मेल टीचर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन ये कॉमन जेंडर नाउन है क्योंकि हम इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो टीचर्स जो हैं वो हम कहाँ पर लिखेंगे, कॉमन जेंडर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, मम बॉट अ टी शर्ट फॉर माई कज़न। मम कहते हैं मम्मी को, यानी मम्मा को, तो ये आपको पता है कि हम फेमिनिन नाउन में इसको लिखेंगे, तो मम आ जाएगा हमारा फेमिनिन नाउन वाले कॉलम में। उसके बाद कज़न है, कज़न आपको पता है मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इट्स मीन कज़न को हमने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन वाले कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अ लॉट ऑफ पीपल टेक अ वॉक इन द पार्क इन द इवनिंग। पीपल किसे कहते हैं, लोगों को। ठीक है, और लोग में जो है मेल और फीमेल दोनों आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें लड़के लड़कियां मर्द और सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इट्स मीन पीपल को हमने कहाँ पे लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द बीच। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चे और इसमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाते हैं, इट्स मीन चिल्ड्रन को हमने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, द सिनेमा इज़ शोइंग द लॉयन किंग। सिनेमा में लॉयन किंग मूवी जो है वो लगी हुई है। लॉयन किसे कहते हैं, शेर को, और शेर जो है वो हमारा क्या होता है, मैस्कुलिन नाउन होता है। ठीक है, इट्स मीन शेर को हमने कहाँ लिखना है, मैस्कुलिन नाउन वाले कॉलम में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लॉयन। नेक्स्ट देखें, टिम बॉट आ सीडी रोम। टिम ने सीडी रोम खरीदा। टिम जो है लड़की का नाम होता है, इट्स मीन इसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, मैस्कुलिन नाउन वाले कॉलम में। नेक्स्ट है द जू कीपर इज़ फीडिंग द एनिमल। जू कीपर यानी कि जू की हिफाजत करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला जानवरों को खाना खिला रहा है। आपको पता है जो जू कीपर होता है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, इट्स मीन जू कीपर को हमने कहाँ पर लिखना है, कॉमन जेंडर नाउन में। ठीक है, जूगी पर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारा, द ड्यूक बोर टू द क्वीन। ड्यूक मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, नवाब को। ठीक है, और इसकी हमने डचेस किया था फेमिनिन, इट्स मीन ड्यूक जो है हमने कहाँ पर लिखना है, मैस्कुलिन नाउन में, और क्वीन कहते हैं मलिका, और मलिका आपको पता है फेमिनिन नाउन में आता है। तो स्टूडेंट, हमने अपना काम जो है आज का कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आपने इसको नीट हैंड राइटिंग में ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैस्कुलिन नाउन में कौन से नाउन आते हैं, फेमिनिन में, और कॉमन जेंडर में कौन से आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।